देखिए दोस्तों, आज हमारे किचन में बनने वाला है सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा बनकर तैयार है। और बारहवीं जो है सूजी के हलवा का आज केक खाएगी। तो देखिए बारहवीं एकदम रेडी है प्लेट लेकर, और बारहवीं का जो है केक भी बनाकर दे दिए हैं बारहवीं को, और बारहवीं जा रही है खाने। और ये बचा हुआ हलवा है जो यहाँ पे कढ़ाई में पड़ा हुआ है, और इसमें मिलकर हम लोग खाएंगे। तो दोस्तों आज हमारे किचन में बनने वाला है सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा किस तरह से बनाते हैं और टेस्टी हलवा किस तरह से बनता है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों देखिए, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और कढ़ाई जैसे ही गर्म होता है इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो आप अगर हलवा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको मेन इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो होता है सूजी, जिसे हम लोग रवा भी बोलते हैं। तो सूजी जो होता है बहुत तरह का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो आपके जो मार्केट में जो भी सूजी आपके पास है उससे बना सकते हैं। और कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो कढ़ाई में कभी कभी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो उसको हमने पोंछ दिया है कपड़ा से। और सबसे पहले जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग घी डालेंगे कढ़ाई में। गाय का घी है तो बहुत बेस्ट है। ये मेरे पास गाय का शुद्ध गाय का घी है, घर में बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें घी डाल दिया है। घी जैसे थोड़ा सा तड़कने लगे तो देखिए रवा जो है सूजी जिसे हम लोग बोलते हैं उसको डाल दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा लोगों का बनाना है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 2-3 लोगों का बना रही हूँ तो थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो हलवा ठंडा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप बना सकते हैं। और सूजी डालने के बाद आप कंटिन्यू सूजी को जो है चलाते रहना, इसको छोड़ देंगे तो वो नीचे जल जाएगा, फिर हलवा का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर रख कर आप को इसको कंटिन्यू चलाना है, कभी भी इसको बंद नहीं करना है। तो देखिए कंटिन्यू मैं जैसे चला रही हूँ आप उसको चलाते रहना है, चारों तरफ से चलाना है। अंदर में अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वो जल जाएगा सूजी, और फिर उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो सूजी होता है। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और मीठा के लिए चीनी या गुड़ कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसको गीला करने के लिए आप दूध भी डाल सकते हैं या फिर पानी भी डाल सकते हैं। दूध डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे दूध नहीं है तो पानी भी बहुत लोग डालते हैं। तो इसको देखिए कंटिन्यू चलाना है, एक भी बार नहीं आपको रुकना है, इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट तक आपको चलाना है। देखिए कलर इसका जो है धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है, अगर रुक जाएंगे तो देखिए जलना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। और देखिए धीरे धीरे कलर जो है वो सूजी का चेंज हो रहा है, और गोल्डन ब्राउन कलर का हो रहा है। देखिए अभी बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है। इस टाइम पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है, मतलब कुछ सेकेंड के लिए भी आपको नहीं रुकना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और आँच को थोड़ा धीमे करके रखना है, ज़्यादा रखिएगा तो ये जल जाएगा और सूजी का हलवा जो है वो हलवा नहीं रहकर कुछ और बन जाएगा, उसका जला हुआ टेस्ट आएगा। तो मैं और फ्लेम को लो कर देती हूँ, और देखिए मेरा जो है लगभग जो गोल्डन ब्राउन कलर का जो है वो हो चुका है। और सूजी का हलवा जो है हर किसी को पसंद आता है। आप घर में आपका छोटा बच्चा है तो उसको आप इसे एक दिन बनाकर दे सकते हैं, मतलब 6 महीना के बाद ये हलवा जो होता है वो आराम से बच्चा जो है खा लेता है। तो आपके पास और ये जल्दी बन भी जाता है, मैक्सिमम बनाने में इसको 20 से 25 मिनट लगता है। तो आप बच्चे के लिए बनाकर रख लें और बच्चे को बनाकर दे सकते हैं, दिन में 1-2 बार तो अच्छा होता है। और छोटा बच्चा है 6 महीने से बड़ा, तो उसको ये दे सकते हैं, तो ये जो है बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और बड़े भी इसे खा सकते हैं। तो आप बच्चे को सूजी का हलवा ज़रूर बना कर दें, अगर आपका बच्चा खाता है तो, मीठा पसंद है तो। तो देखिए मेरा जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, आप चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, इसे चीनी जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ब्राउन शुगर है तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर व्हाइट शुगर है उसी को यूज़ करूँगी। और इस टाइम पर देखिए शुगर आप डाल देंगे, उसके बाद ज़्यादा हम लोगों को चलाना नहीं है। ऐसा नहीं कि शुगर और जो सूजी को साथ साथ भूनना नहीं है, सूजी जब पूरा भुना जाता है उसके बाद ही आपको चीनी या गुड़ जो है वो ऐड करना है। अभी देखिए आपने मिठास के अकॉर्डिंग चीनी या गुड़ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। एक बार चीनी डालिएगा तो देखिए जब भुना आएगा नहीं, इस तरह से ये चीनी जो है पानी छोड़ना शुरू कर देता है तो वो भुनाता नहीं है। तो देखिए मैं इतना सारा दूध डाल रही हूँ, दूध जो है से इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है, टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, और दूध जो है हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। तो आप ऐसे पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन तो पानी भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डालूँगी। अगर आपको गीला बनाना है पूरा तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये बनाना है यानी कि थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का बनाना है तो कम पानी डालिएगा तो भी ये हो जाता है। तो अभी मुझे थोड़ा गीला ही चाहिए, तो देखिए मैं थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ और इसको इसी तरह से चला कर जो है
आपको छोड़ना नहीं है, पानी जब डालते हैं तो उसे छोड़िएगा नहीं, या फिर दूध जो भी डालते हैं, नहीं तो उसमें जो है गांठ बन जाता है, गांठ बन जाएगा तो फिर जो है हलवा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कंटिन्यू जो है चलाते रहना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके आपको पानी डालते रहना है। देखिए हमने डाल दिया है पानी, और इसको वैसे ही छोड़ देती हूँ थोड़ी देर। अब जब जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो आप पानी और ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर सूजी मोटा है तो पानी ज़्यादा लगता है, और सूजी पतला वाला सूजी रहता है तो उसमें थोड़ा पानी जो है कम लगता है। जब तक ये पक रहा है तब तक मैं क्या करूँगी, ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ और बीच में जो है ड्राई फ्रूट्स में डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों मेरा ड्राई फ्रूट जो है लगभग कट चुका है। और देखिए ड्राई फ्रूट्स कट कर मैंने डाल दिया है, और देखिए जो हलवा है जो लिखिए लगभग सीस रहा है। और देखिए क्योंकि ये मोटा मेरे पास जो था मोटा वाला सूजी था थोड़ा, तो इसको मतलब सीखने पकने में थोड़ा सा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरह से मैं इसको पका रही हूँ और थोड़ा सा इसको ढक दूँ, क्योंकि ये जब पकने लगता है तो बाहर की ओर चटकता है, बाहर की ओर फैलता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक प्लेट एक इसको कवर कर दूँगी, तो ये पड़ेगा नहीं, नहीं तो ये बच्चा लोग अगर सामने खड़ा हो जाता है चूल्हा के पास तो वो चटक कर पड़ सकता है, और बच्चे को हाथ जो है जहाँ पे पड़ेगा वो जल भी सकता है क्योंकि वो गर्म रहता है। और देखिए देखिए मेरा लगभग जो है हलवा तैयार हो चुका है, और ये थोड़ा सा गीला है, तो आपको इतना गीला पसंद है तो आप इतना गीला भी खा सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई करना है तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर दीजिए और उसको कंटिन्यू जो है घाटिए। देखिए इस तरह से घाटिएगा तो उसका पानी जो है मॉइस्चर जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा और हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको पूरा भुरभुरा चाहिए होता है हलवा तो आपको इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप कम पानी डालेंगे तो हलवा बिल्कुल भुरभुरा बनेगा। तो आपको जैसा हलवा पसंद है वैसा हलवा आप मनचाहा बना सकते हैं। देखिए ये मेरा थोड़ा गीला ही बनेगा क्योंकि बच्चे लोगों को गीला जो है ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि भुरभुरा खाने से जो है गला में जो फंस जाता है, तो बच्चे लोगों को जितना गीला बना के दीजिएगा छोटे बच्चों को उतना अच्छा है। तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो इस ड्राई फ्रूट्स को छोटे बच्चे को लिए के लिए बनाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को खड़ा मत डालिए, पीसकर आप ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं सूजी में, तो बच्चे को ड्राई फ्रूट्स भी चला जाएगा और हलवा भी बच्चा खा लेगा और बच्चा का पेट भी भरा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बच्चे को इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। ये बड़े लोगों का है और मेरी बच्ची भी तो बड़ी हो चुकी है, तो ड्राई फ्रूट्स काट कर ही डाल देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ड्राई फ्रूट्स को आप पीस कर डाल सकते हैं अगर छोटे बेबी का बनाते हैं तो। तो देखिए दोस्तों मेरा हलवा जो है लगभग बनकर हो गया है तैयार। देखिए अभी मैं थोड़ा इसको घाट देती हूँ और देखिए इसका जो मॉइस्चर है थोड़ा और इसको सूखने देती हूँ तो और टेस्टी बनता है। और ये देखिए कलर भी इसका कितना सुंदर आया है, और ऐसे देख लग रहा है कि मुँह में मतलब पानी आ गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे हलवा बना सकते हैं, और हलवा बनाना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। और कहीं पे लंच ले जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हलवा बनाकर रख सकते हैं और उसमें उसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, और इसका कतली टाइप का भी बना सकते हैं। और इसका बच्चा लोग केक भी इसको जो बहुत लोग को इस सूजी का केक भी पसंद आता है, तो हलवा केक भी आप बना सकते हैं। चारवीं बारहवीं को हलवा केक जो है वो बहुत पसंद है, तो बारहवीं के लिए आज हलवा केक ही बनेगा। ये हलवा जो है इस तरह से बनाकर और एक कटोरी में मैं देखिए हलवा केक भी बारहवीं के लिए बना देती हूँ। कटोरी में इसको भर दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद कटोरी से इसको पलट कर निकाल लीजिएगा तो जो केक हलवा जो केक है वो बन जाता है। देखिए बारहवीं आ गई है हलवा केक लेने के लिए, तो अभी देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ बारहवीं के लिए। देखिए थोड़ा सा घी या फिर कोई तेल जो भी यूज करते हैं उसको कटोरी के चारों तरफ लगा दीजिए, और उसमें जो सूजी जो है गरम गरम ही डाल दीजिए, ठंडा होने पे वो नहीं होगा, तो गरम गरम डालकर उसको अच्छे से थपथपा दीजिए देखिए इस तरह से, ताकि वो जो अंदर है जो पूरा एडजस्ट हो जाए। देखिए मैं इस तरह से थपथपा दे रही हूँ और 5 से 7 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल केक जैसा जैसे बनाते हैं वैसे ही बाहर निकल जाएगा। देखिए बारहवीं एकदम बिल्कुल तैयार है लेने के लिए, और ये केक जो है इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा गर्म है तो थोड़ा हाथ मेरा जल रहा है, आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बारहवीं जो है छोटा प्लेट लेकर आई है, पर छोटा प्लेट में जाएगा नहीं, और देखिए बारहवीं जो है अपना बड़ा प्लेट निकालने के लिए तैयार है और निकाल कर ले आई है। तो देखिए दोस्तों बारहवीं का जो है केक बनकर हो गया है तैयार और बारहवीं खाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों आप भी अपने बच्चे को इस तरह से केक बनाकर हलवा केक बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि केक बनाना जो है थोड़ा टफ होता है और ऐसे झटपट केक बनता नहीं है, तो हलवा केक आप भी अपने बच्चे को बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा हलवा जो है और बचा हुआ है, तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से हलवा केक बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।